कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है, ऑन 1 सितंबर मिरियम्स बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 3000। यार बैंक क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है मतलब अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं। कह रहा है शी फाउंड देयर वाज अनप्रेजेंटेड चेक कितना था 360 और अनक्रेडिटेड कितना था 780। आपको बताना है कैश बुक का बैलेंस। अगेन फॉर्मेट वही है मेरे भाई, BRS आपको बनानी पड़ेगी। स्टार्ट करेंगे बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक से। ऐड करते हैं क्या चीज़, अनप्रेजेंटेड। लेस करते हैं क्या चीज़, अनक्रेडिटेड। फाइनल आंसर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। मुझे बताओ बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से कितने पैसे पड़े हुए हैं। क्रेडिट बैलेंस का मतलब पॉजिटिव बैलेंस पड़ा हुआ है 3000। सही, क्रेडिट बैंक बोला है क्रेडिट मतलब पॉजिटिव। और अगर आप बताएं अनप्रेजेंटेड कितना दिया हुआ है 360, ये ऐड कर देते हैं अनप्रेजेंटेड। और अनक्रेडिटेड कितना दिया हुआ है 780, ये माइनस कर देते हैं। अच्छा नॉर्मल फॉर्मेट से अगर हम चलेंगे तो ये प्लस होगा ये माइनस, लेकिन यहाँ पे भी हमें उल्टा चलना है। 3000 से चलेंगे, जो माइनस हो रहा है उसको प्लस कर दें 3780, और 3780 में से 360 माइनस कर दें ये वाला, तो कितना आंसर आ गया 3420। इसका मतलब भाई जो रियल बैलेंस है वो है 3420, और चूंकि ये पॉजिटिव आ रहा है तो आंसर होगा सी। सही, ओवरड्रॉन नहीं होगा सी, ये ख्याल रखना है। बादों का वो कंफ्यूज करता है, दोनों आंसर दे रहा है। देखो 3420 पॉजिटिव भी और ओवरड्रॉन भी, नेगेटिव आ रहा हो तो लॉजिक आपको समझ में आ गई। बैंक कह रहा है आपके अकाउंट में 3000 है, बैंक झूठ बोल रहा है क्यों। अनक्रेडिटेड का क्या मतलब, कस्टमर ने मुझे चेक दिया वो अभी तक कैश नहीं हुआ, आज नहीं तो कल जब वो कैश हो जाएगा तो मेरा बैंक बढ़ जाएगा। मैंने सप्लायर को चेक दिया, उसने अभी तक चेक कैश नहीं कराया, आज नहीं तो कल वो चेक कैश करवा लेगा तो मेरा बैंक कहाँ पहुंच जाएगा 3420। तो ये रियल बैलेंस होता है बैलेंस पर अपडेटेड कैश बुक बैलेंस, जो बैलेंस शीट में भी अगर लिखना होगा तो यही बैलेंस जाएगा।